पीडीसी क्लास करने के बाद बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिला मुझे, बहुत निगेटिव जा रही थी, बहुत सारे उथल पुथल मचे हुए थे। देन इसके करने के बाद बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिला। चार चीज़ें यहाँ बताई गई और बहुत सारे शक्तिपीठ है, जैसे ये गायत्री शक्तिपीठ है वो सबसे अलग है। पीडीसी क्लास कराने के बाद भी कोई चार्जेबल नहीं है। मेरा पढ़ाई में ये परिवर्तन हुआ कि पहले पूरा दिन लाइब्रेरी में रहते थे, तभी कुछ समझ में नहीं आता था मुझे, सर दर्द होता था, ये होता था, आकर सो जाते थे। अब जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ के माहौल से यह प्रतीत होता है कि चारों तरफ सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, मन नकारात्मक चीज़ें तो हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है। और मतलब विचार क्रांति इतना मतलब आगे बढ़ जाता है, इसमें इतना मतलब प्रभाव डालता है कि मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ भी अचीव करना हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं। आपको भी टटोला कि हम लोग बिन मतलब का परेशान हो रहे हैं, वास्तविकता तो कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है और सच्चाई कुछ और होती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज पीडीसी का आखिरी क्लास समाप्त होने जा रहा है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बहन हमारे पीछे खड़ी हैं और उनके हाथ में सर्टिफिकेट भी है। उससे पहले आपको बता चले, युवा प्रकोष्ठ जो विगत 30 वर्षों से युवाओं को दिशा देने का कार्य कर रहा है, वो युवा जो पटना आते हैं और पटना के चकाचौंध में खो जाते हैं, अपने पढ़ाई को बेहतर नहीं कर पाते हैं, और तो और अगर अच्छा माहौल ना मिले या फिर अच्छा पढ़ाई ना हो पाने के कारण कहीं ना कहीं टेंशन और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ जो उन युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन देने का काम करता है। आइए चलते उन बहनों के पास और जानते हैं कि पीडीसी की क्लास करने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। मेरा नाम मोनी कुमारी है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से ही हैं, पटना से, सैदपुर से। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी क्लास करने के बाद हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और अपनी फैमिली के साथ भी रहती हूँ, तो दोनों को कैसे मेंटेन करना है। बहुत लोग होते हैं कि दोनों को मेंटेन करने में थोड़ा सा असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई एक तरफ ज़्यादातर ध्यान देना होता है, लेकिन पीडीसी करने के बाद मेरे अंदर ये पावर आई, मतलब कि ये हमको आया कि नहीं, हम दोनों तरफ संभाल सकते हैं, अपना घर भी देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन चारों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो अपने जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपको पीडीसी क्लास के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? पीडीसी क्लास के बारे में जानकारी हमें मतलब कि प्रचार के दौरान मिली, और फिर बाल संस्कार शाला मेरे बगल में चलता है, वहाँ से भी हमको जानकारी मिली कि गायत्री शक्तिपीठ पे ये मोटिवेशनल क्लास चलाया जाता है और फिर वहाँ पे पीडीसी 5 दिन का होता है, तो हम यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? अंबिका कुमारी। कहाँ से हैं आप? हाजीपुर, बिद्धपुर से। पीडीसी की क्लास करने का आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन? परिवर्तन यही मिला क्योंकि मम्मी पापा के साथ में रहते हैं और पढ़ाई भी रहता है, तो घर भी देखना होता है और पढ़ाई भी देखना होता है, तो दोनों को मतलब कि मिला के चलना पड़ता है, तो नहीं हो पाता था, और ऊपर से मतलब सब वजन पड़ जाता था तो डिप्रेशन जैसा हो जाता था, और यहाँ आने से और सब क्लियर हो जाता है क्योंकि यहाँ ध्यान कराया जाता है और मेडिटेशन सबसे बड़ा चीज़ होता है, उससे बहुत अच्छा जीवन में प्रभाव मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन? पीडीसी क्लास करने के बाद अगर देखा जाए तो व्यक्ति का अगर मानसिकता अगर स्थिर रहता है तो उसका दिमाग कोई भी जगह काम कर सकता है, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए। पीडीसी क्लास में हर दिन तरह तरह के भाई आए, अपने एक्सपीरियंस को बताया, जिसके माध्यम से हम अपने आप को भी टटोला कि हम लोग बिन मतलब का परेशान हो रहे हैं, वास्तविकता तो कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है और सच्चाई कुछ और होती है। तो यहाँ आने के बाद मन बहुत शांत लग रहा है, अब लग रहा है कि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से फुलफिल कर लेंगे, तो मानसिक रूप से तो बहुत ही बेटर क्लास लगा। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम जिला पटना फतुहा प्रखंड से हैं, वहाँ के एक गाँव रानीपुर से हैं। पीडीसी क्लास के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? मेरे शिक्षक हैं मनीष सर, वो हमको मैंने कि हम लोगों के सारे बच्चों को पीडीसी क्लास के बारे में बताया, यहाँ के बारे में बताया, शक्तिपीठ के बारे में बताया, यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ की कितनी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमें अंदर से मोटिवेट करती हैं। यहाँ पे आप रुक के यहाँ पे पीडीसी क्लास के हैं, यहाँ के माहौल के बारे में आप थोड़ा बताइए। यहाँ के माहौल से यह प्रतीत होता है कि चारों तरफ सिर्फ सकारात्मक
उड़ जाए हैं। मन नकारात्मक चीज़ें तो हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है, और मतलब विचार क्रांति इतना मतलब आगे बढ़ जाता है इसमें, इतना मतलब प्रभाव डालता है कि मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ भी अचीव करना हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं। जब तक हमारा मनोबल मजबूत नहीं होता तब तक मतलब हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ आने का फ़ायदा ये है कि हमारा मनोबल बहुत, क्लास करने का आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत सारा परिवर्तन आ गया। हमको पढ़ने का जो मन नहीं लगता था वो सब पढ़ने में मन लगने लगा, और होमवर्क भी नहीं कर पाते थे ना वो भी सब होने लगा सिर्फ मेडिटेशन करने के कारण। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? दिनचर्या की पहले तो ऐसे ही मतलब दिन कट जाता था, लेकिन अब है कि कुछ ध्यान लगता है, तब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, तब फिर वही खाली मेडिटेशन करने से मन लगने लगा। क्या नाम है आपका? ज्योति, ज्योति कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम ईस्ट चंपारण मोतिहारी। आप यहाँ पे रुक के पीडीसी क्लास इसके बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ का व्यवहार और यहाँ पर वातावरण के बारे में बताएं। सबसे पहले तो पीडीसी के बारे में मेरे बड़े भैया के मतलब द्वारा ही इसका जानकारी मिला, और पीडीसी का मतलब जब क्लास करने के बाद मुझे ये अनुभव मिला कि हाँ कैसे अपने जीवन को मतलब जिए। सबसे पहले साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, मतलब इसका अर्थ पता चला एग्जैक्टली हमको इसको कैसे पालन करें, अपने जीवन में कैसे धारण करें, और अध्यात्म तरीके से कैसे अपने जीवन को जिए, ये पटना के चकाचौंध से कैसे बचे। यहाँ की दिनचर्या के बारे में बताइए, आपका आपका दिनचर्या कैसे इसमें यहाँ पे सुधार हुआ इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, यहाँ से जब से मैंने पीडी सी का क्लास ज्वाइन किया है उसके बाद में मेरे दिनचर्या में सुधार हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? जूही कुमारी। कहाँ से हैं आप? पटना बिहार, यहीं से। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? हाँ, पीडीसी क्लास करने के बाद बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिला मुझे, बहुत निगेटिव जा रही थी, बहुत सारे उथल पुथल मचे हुए थे, देन इसके करने के बाद बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिला। चार चीज़ें यहाँ बताई गई, और बहुत सारे शक्तिपीठ है, जैसे ये गायत्री शक्तिपीठ है वो सबसे अलग है। पीडीसी क्लास कराने के बाद भी कोई चार्जेबल नहीं है, बहुत सारी जगह करवाया जाता है देन उसका भी चार्ज लगता है, यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। उसके बाद अगर हम विश्वास के साथ अपने जीवन में इस चीज़ को उतारते हैं तो निश्चित हमें सफलता जरूर मिलती है। अब लगता है कि हाँ हम अपने एम तक पहुंच पाएंगे, अपने एम को अचीव कर पाएंगे इसके साथ, साधना, स्वाध्याय और संयम और सेवा के साथ। क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन है? पीडीसी करने से मतलब समय का सदुपयोग करना, अपने जीवन में बेहतर बनना यहीं से। और आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन है? मतलब पढ़ने में मन लगने लगा अच्छे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी कुमारी है। कहाँ से हैं आप? पटना संदलपुर से। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी करने के बाद मुझे लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, जो कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी, कुछ कुछ बोल के चल जाता था, मतलब इतना मैं रोती थी। पीडीसी के बाद ऐसा लगा नहीं मेरे अंदर हिम्मत जागा है और मैं इससे मतलब बहुत आगे बढ़ूंगी, और मतलब ऐसा ही जगह है, ऐसा ये माहौल है जो मतलब कहीं यहाँ पर नहीं मिल सकता कहीं जगह। तो मैं यही निवेदन करूँगी और भी जितने भी दीदी है भैया लोग आकर करे एक बार पीडीसी, और वो यहाँ से लाभ करे, वो आगे मतलब इतना मतलब उनको लाभ होगा कि हाथ से वो जो करके जाएंगे उनको बाद में ही पता चलेगा। आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरी पढ़ाई में जो कि हम पढ़ाई करते तो थे लेकिन थोड़ा आलस आ जाता था और सो जाते थे, जो कि अब हम मतलब करीब 1 बजे रात तक पढ़ते ही रहते थे, मन नहीं लगता, और फिर सुबह 3 बजे या 4 बजे जग जाते हैं, जो कि 8 बजे जगते थे, 7 बजे, लेकिन अब सवेरे जग जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गायत्री कुमारी है, मैं जहानाबाद जिले से हूँ। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन है? पीडीसी क्लास करने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं एक मंथ से आ रही हूँ यहाँ गायत्री मंदिर, जब से आने लगी तब से सबसे पहले मुझमें ये चेंजिंग हुआ कि पहले मैं जग नहीं पाती थी, सुबह 9 बजे तक सोई रहती थी, जब से आना स्टार्ट की तब से मेरा सुबह अपने आप नींद खुल जाता है 5 बजे। आपकी पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरा पढ़ाई में ये परिवर्तन हुआ कि पहले पूरा दिन लाइब्रेरी में रहते थे, तभी कुछ समझ में नहीं आता था मुझे, सर दर्द होता था, ये होता था, आकर सो जाते थे, अब जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे अपने बहुत सारी बहन है जो कि यहाँ पे पीडीसी क्लास की हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा और अच्छे पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। आप सभी बहनों से निवेदन किया जाता है कि यहाँ पे आप जरूर से जरूर शामिल होइए,
और पीडीसी का क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हो सकता है ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।